हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स शेयर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व्स. पूछा गया स्प्लाइसिंग में क्या होता है. फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ पॉलीएडीनाइलेट टेल टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ HNRNA. तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये तो क्या होता है, इसको हम टेलिंग बोलते हैं. ये क्या है, टेलिंग है. अगर हम देखें यहाँ पे यूकैरियोट्स में, हमें पता है कि DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे जो प्रोड्यूस होता है RNA, वो कौन सा होता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA, क्योंकि इसमें इंट्रोन एज वेल एज एक्सोन दोनों हैं. मतलब कि जो कोडिंग सीक्वेंस है, इट इज़ इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. कोडिंग सीक्वेंस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, एंड नॉन कोडिंग वाले को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि ये 5' एंड है HNRNA का और ये 3' एंड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाले क्या है, एक्सोन्स, ये एक्सोन्स है, एंड ये वाले क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स. तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन के लिए कोडिंग सीक्वेंस चाहिए हमें, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रॉन का रिमूवल होना जरूरी है. तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, स्प्लाइसिंग से रिमूव होता है. तो उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पहले कैपिंग होगा. तो कैपिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिंग में क्या होता है, कि जो 7-methyl-guanosine-triphosphate जो है वो ऐड होगा 5' एंड पे. और टेलिंग में क्या होगा, टेलिंग में यहाँ पे अगर हम देखें 3' एंड पे ऐसे बहुत सारे 200-300 जो एडीनाइलेट रेसिड्यू है ये ऐड होंगे. तो पॉली ए टेल हो रहा है यहाँ पे ऐड, तो इसको टेलिंग बोलते हैं. तो ये कैपिंग है, ये टेलिंग है. तो ये जो पॉली एडीनाइलेट टेल ऐड जो हो रहा है, इसको हम टेलिंग बोलते हैं, स्प्लाइसिंग नहीं है, ये तो गलत है. इसके बाद जाके स्प्लाइसिंग होगा, जिसमें क्या होगा, स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये जो इंट्रोन्स है वो रिमूव होंगे. तो यहाँ पे जो RNA बनेगा यहाँ पे, उसमें क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस होगा. यहाँ पे अगर हम देखें कोडिंग सीक्वेंस है, और 5' एंड के टूवर्ड अनट्रांसलेटेड रीजन, एंड ऐसे 3' एंड के टूवर्ड भी अनट्रांसलेटेड रीजन. और यहाँ पे क्या है, कैप है. यहाँ पे अगर हम देखें कैप है, और इस तरफ क्या है, पॉली ए टेल है यहाँ पे, ऐसे करके. तो ये 5' एंड है और ये 3' एंड है. अगर हम देखें स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रोन का रिमूवल होता है. तो रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम HNRNA, ये सही दिया है, इसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं. HNRNA जो है उसमें से इंट्रोन के रिमूवल जो है उसको हम ये बोल रहे हैं. रिमूवल ऑफ प्राइमर फ्रॉम न्यूली सिंथेसाइज DNA स्ट्रैंड्स, तो ये जो है ये तो गलत है, क्योंकि ये स्प्लाइसिंग इससे तो नहीं बोल रहे. ये क्या है, जब हमें पता है कि जब DNA रेप्लिकेशन होता है उसमें जो प्राइमर, जैसे कि यहाँ पे पहले प्राइमर ऐड होगा उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये प्राइमर जो RNA सीक्वेंस है तो इसको रिप्लेस करना, यहाँ रिमूव करना जरूरी है. तो रिमूव होगा और यहाँ पे DNA जो है वो ऐड होगा. तो ये जो है ये तो गलत है, इसको तो स्प्लाइसिंग नहीं बोल रहे. एडिशन ऑफ 7-methyl-guanosine-triphosphate कैप टूवर्ड्स 5' एंड ऑफ HNRNA, तो ये वाला जो है ये क्या है, ये कैपिंग है. ये जो है ये कैपिंग है, ये स्प्लाइसिंग नहीं है, कैपिंग है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, दिस सेकंड वन. करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.